हेलो एवरीवन, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है प्रेपोजिशन या अव्यय। अब हम देखते हैं कि ये प्रेपोजिशन होता क्या है। इट इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एट्सेट्रा। तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसे नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है और ये टाइम, प्लेस या डायरेक्शन कुछ भी बता सकता है। अब आज हम जो प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे वो है ऑफ या फ्रॉम, विथ या बाय, बिटवीन या अमोंग, एट, इन या ऑन, ऑन या अपॉन, इन या इनटू, इन या एट, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन, सिंस और फॉर, टू और फ्रॉम, टू और देन। तो ये सभी प्रेपोजिशंस बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट इज ऑफ और फ्रॉम। ऑफ, डेथ ड्यू टू डिजीज, एंड फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो जब किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है, और व्यक्ति अगर बीमारी से पीड़ित है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर वन, माय फ्रेंड डाइड ब्लैंक कैंसर। तो मेरे फ्रेंड की कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। अब यहाँ पर बीमारी की वजह से डेथ हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। देन क्वेश्चन नंबर टू, माय फादर इज सफरिंग ब्लैंक मलेरिया। अब यहाँ पे फादर मलेरिया से पीड़ित है, तो जब कोई बीमारी से पीड़ित रहेगा तो उसमें आएगा फ्रॉम। सेकेंड इज विथ और बाय। विथ का यूज़ तब होता है जब इंस्ट्रूमेंट दिया रहता है, मींस जिससे काम हो रहा है वो दिया रहता है, तो वहाँ पर विथ यूज़ होता है और इसमें एक्टिव वॉइस रहती है। और बाय का यूज़ एजेंट के लिए होता है, मींस जब काम करने वाला दिया रहता है तब हम बाय का यूज़ करते हैं और ये पैसिव वॉइस में रहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, आई एम राइटिंग ब्लैंक अ पेंसिल। अब यहाँ पर लिखने का काम पेंसिल से हो रहा है, तो जब इंस्ट्रूमेंट दिया रहेगा तो उसमें आ जाएगा विथ। सो आई एम राइटिंग विथ अ पेंसिल। देन क्वेश्चन नंबर फोर, दिस लेटर इज रिटन ब्लैंक आदित्य। अब यहाँ पर लेटर लिखने का काम आदित्य के द्वारा हो रहा है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो जब काम करने वाला दिया रहेगा तो वहाँ पर आ जाएगा बाय। सो आंसर विल बी दिस लेटर इज रिटन बाय आदित्य। नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। तो जब हमें दो व्यक्तियों या चीज़ों के बारे में बताना होता है तो हम वहाँ बिटवीन का यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा रहते हैं, यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, वहाँ हम अमंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, रोहन इज सिटिंग ब्लैंक नरेश एंड महेश। रोहन नरेश और महेश के बीच में बैठा है। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम दिया है, तो जब दो व्यक्ति दिए रहेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा बिटवीन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स ब्लैंक द चिल्ड्रन। इन चॉकलेट्स को बच्चों के बीच में बांट देना है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन दिया है, चिल्ड्रन प्लूरल है, यहाँ दो से ज़्यादा लोग हैं, तो जब दो से ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा अमंग। सो डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज एट, इन और ऑन। एट का यूज़ ओ क्लॉक के लिए किया जाता है, मींस जब फिक्स घंटा दिया रहेगा कि कितने बजे काम हुआ है। इन का यूज़ ईयर और मंथ्स के लिए किया जाता है, मींस जो बड़े बड़े होते हैं। और ऑन का यूज़ डेज और डेट्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, माय मदर विल कम ब्लैंक 11 o'clock। अब यहाँ पर फिक्स घंटा दिया हुआ है 11 o'clock, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। सो माय मदर विल कम एट 11 o'clock। देन क्वेश्चन नंबर एट, माय अंकल डाइड ब्लैंक जनवरी और 1979। अब या तो मंथ दिया है या ईयर दिया है, तो जब मंथ या ईयर दिया रहेगा तो उसमें आ जाएगा इन। सो माई अंकल डाइड इन जनवरी 1979।
क्वेश्चन नंबर 9, टीना वॉज बॉर्न ब्लैंक संडे और 5th अगस्त 1980। अब जब फिक्स्ड डे दिया रहेगा या कोई डेट दी रहेगी तो वहाँ पर आ जाएगा ऑन। सो टीना वॉज बॉर्न ऑन संडे और 5th अगस्त 1980। नेक्स्ट इज ऑन और अपॉन। ऑन का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है और इसमें बॉडी जो है रेस्ट वाली पोजीशन में होती है, और अपॉन का यूज़ लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, इसमें बॉडी जो है वो मोशन में रहती है। मींस मोशन अगर हो रहा है तो वहाँ पर अपॉन का यूज़ होगा, और बॉडी अगर रेस्ट वाली पोजीशन में है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल। अब बुक नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आ जाएगा ऑन। सो द बुक इज़ ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 11, द रैट जम्प्ड ब्लैंक द टेबल। अब रैट यहाँ पर लिविंग थिंग है तो रैट जब टेबल के ऊपर जंप करेगा तो किसी एक जगह पर फिक्स नहीं रहेगा, उसमें मोशन होगा, तो मोशन जब भी होगा तो वहाँ पर आ जाएगा अपॉन। सो द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। नेक्स्ट इज इन और इनटू। इन का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, इसमें भी बॉडी रेस्ट वाली पोजीशन में रहती है, और इनटू का यूज़ लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, इसमें बॉडी मोशन में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, कीप द फ्रूट्स ब्लैंक द बॉक्स। अब फ्रूट्स को बॉक्स के अंदर रखना है और फ्रूट्स यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो एक जगह पर फिक्स रहेंगे क्योंकि वो खुद से नहीं चलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। कीप द फ्रूट्स इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 13, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द वेल। अब कैट एक लिविंग थिंग है, अब कैट जब वेल में जंप करेगी तो वो किसी एक जगह पर फिक्स नहीं रहेगी, उसमें मोशन होगा, तो इसमें आ जाएगा इनटू। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट इज इन और एट। इन का यूज़ नेम्स ऑफ कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट और लार्ज टाउन्स के लिए किया जाता है, मीन्स बड़ी जगह के लिए, और एट का यूज़ नेम्स ऑफ विलेजेस और स्मॉल टाउन्स के लिए किया जाता है, मीन्स बड़ी जगह अगर है तो उसमें इन लगाना है और छोटी जगह अगर दी है तो उसमें लगाना है एट। क्वेश्चन नंबर 14, माई सिस्टर लिव्स ब्लैंक दिल्ली। अब दिल्ली एक बड़ा प्लेस है तो बड़े प्लेस के लिए आ जाएगा इन। माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। देन क्वेश्चन नंबर 15, आई लिव ब्लैंक सिराटा। अब सिराटा एक छोटी सी जगह है तो जब छोटी जगह दी रहेगी तो इसमें आ जाएगा एट। सो आई लिव एट सिराटा। आफ्टर और बिटवीन। बिफोर का अर्थ होता है पहले, मीन्स अर्लियर देन समबडी और समथिंग। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, मीन्स लेटर देन समबडी और समथिंग। और बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, मीन्स इन मिडिल ऑफ टू थिंग्स, पीपल, प्लेसेस एट्सेट्रा। तो पहले अगर बताना है तो हम वहाँ बिफोर का यूज़ करेंगे, कोई चीज़ अगर बाद में हो रही है तो उसमें आफ्टर का, और अगर कोई चीज़ बीच में है तो उसमें बिटवीन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संडे कम्स ब्लैंक मंडे। अब संडे जो है मंडे से पहले आता है तो पहले के लिए आ जाएगा बिफोर। संडे कम्स बिफोर मंडे। क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल कम्स ब्लैंक मार्च। अप्रैल मार्च के बाद आता है तो बाद के लिए आ जाएगा आफ्टर। देन क्वेश्चन नंबर 18, मंडे कम्स ब्लैंक संडे एंड ट्यूसडे। मंडे, संडे और ट्यूसडे के बीच में आता है तो जब बीच में आएगा तो इसमें आ जाएगा बिटवीन। नेक्स्ट इज सिंस और फॉर। सिंस का यूज़ फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, जैसे 2 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, या कोई फिक्स डे दिया है जैसे मंडे, या कोई फिक्स मंथ दिया है जैसे मार्च। और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यहाँ पर उसकी संख्या दी रहेगी, जैसे 3 hours, 4 minutes, 5 seconds, 6 days, 3 months, 2 years एट्सेट्रा। तो जब फिक्स टाइम दिया रहेगा तो उसमें सिंस लगाना है, और अगर पीरियड अगर दिया है तो उसमें फॉर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 19, टीना हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर ब्लैंक मॉर्निंग।
अब टीना जो है सुबह से लेटर लिख रही है, तो ये फिक्स टाइम दिया है तो फिक्स टाइम के लिए आ जाएगा सीन्स। क्वेश्चन नंबर 20, दे हैव बीन फ्लाइंग काइट्स ब्लैंक 2 आवर्स। अब वे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे संख्या दी हुई है 2 आवर्स, तो जब संख्या दी रहेगी तो वहाँ पर आ जाएगा फॉर। नेक्स्ट इज टू और फ्रॉम। टू इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। तो टू जो है डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को दिखाता है, एंड फ्रॉम इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन ऑफ एन एक्शन। जब किसी का स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन दिया रहता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वी आर गोइंग ब्लैंक आगरा दिस वीक। तो इस हफ्ते में हम आगरा जा रहे हैं। अब ये डेस्टिनेशन है हमारा, तो डेस्टिनेशन के लिए आ जाएगा टू। सो वी आर गोइंग टू आगरा दिस वीक। देन क्वेश्चन नंबर 22, वी गेट वुड ब्लैंक द फॉरेस्ट। अब वुड हमें फॉरेस्ट से मिलता है, यहाँ ओरिजिन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम। वी गेट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज टू और देन। टू प्रेफर वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। तो प्रेफर वर्ड अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसमें हमेशा टू आएगा। एंड देन कंपेरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। और कंपेरेटिव डिग्री अगर दी है तो उसके बाद हमेशा देन आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, माई मदर प्रेफर्स टी ब्लैंक कॉफी। अब यहाँ पे प्रेफर वर्ड दिया है तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा टू। सो माई मदर प्रेफर्स टी टू कॉफी। देन क्वेश्चन नंबर 24, गोल्ड इज कॉस्टलियर ब्लैंक सिल्वर। गोल्ड सिल्वर से कॉस्टलियर है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री दी रही है, जब कंपेरेटिव डिग्री दी रहेगी तो उसमें आ जाएगा देन। सो गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डू दिस योर सेल्फ एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर ब्लैंक माई ब्रदर। मेरी हैंड राइटिंग मेरे भाई से अच्छी है। ऑप्शंस आर टू फ्रॉम एंड देन। तो इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है और ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सो आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।